बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद पर बड़ा एक्शन क्यों लिया? क्यों बहन जी ने आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया? क्या सच में आकाश आनंद मैच्योर नहीं थे या आकाश आनंद के बारे में किसी ने बहन जी के कान भर दिए? इन सवालों के जवाब सिर्फ बसपा के समर्थक ही नहीं बल्कि हर कोई जानना चाहता है। इस वीडियो में हम आपको आकाश आनंद की छुट्टी होने की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, उसके कारण बताएंगे, लेकिन पहले आप पूरी खबर समझ लीजिए कि आखिर आकाश आनंद पर एक्शन क्यों लिया गया। दरअसल मंगलवार देर रात बेंजी ने आकाश आनंद पर अचानक से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बेंजी ने कहा कि आकाश आनंद अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, इसलिए उन्हें फिलहाल सभी पदों से मुक्त किया जाता है। इस बारे में बेंजी ने ट्विटर पर लिखा, विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता मैच्योरिटी आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे हटने वाला नहीं है। बेंजी के ट्वीट में एक बात साफ है कि उनका ये फैसला आकाश आनंद की मैच्योरिटी को लेकर किया गया है। उन्होंने साफ किया कि पार्टी और मूवमेंट के हित में पूर्ण परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। लेकिन आकाश आनंद ने ऐसा क्या किया था जो उनकी मैच्योरिटी पर ही सवाल उठने लगे और फिर बेंजी ने उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दिया? दरअसल इन सबके पीछे आकाश आनंद का यूपी के सीतापुर में दिया वो बयान है जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। आकाश आनंद ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए उसकी तुलना तालिबान से कर दी थी और लोगों को कहा था कि जब वो वोट मांगने आए तो लाठी डंडे और जूते मारने चाहिए। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है, जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वो चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसका, उसके बदले तुम्हें वोट नहीं ये डंडा मिलेगा। जो सरकार अपने युवाओं को, जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहाँ होता है? जहाँ बच्चे भूखे रहें, जहाँ बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहाँ युवा बेरोजगार हो, जहाँ जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है, ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है, ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सीतापुर में इलाहाबाद फील्ड पर 5 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित किया था और ये बयान दिया था और इसी के बाद आकाश आनंद पर हिंसा भड़काने और असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए सीतापुर पुलिस ने आईपीसी की धारा 171C, 153B, 505 और आरपी एक्ट की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही पार्टी के प्रत्याशियों और रैली के आयोजकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। इस केस दर्ज होने के बाद आकाश आनंद के ऊपर सवाल उठने लगे थे, ना सिर्फ आकाश की भाषा को लेकर बल्कि उनकी सियासत को लेकर भी, क्योंकि नगीना की रैली में आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद पर यह कहते हुए निशाना साधा था कि वो हल्ला मचाकर लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाता है और फिर वहां से निकल जाता है। साथियों, पिछले कुछ सालों से आप लोगों के बीच में इन विरोधी पार्टियों ने किस्म किस्म के लोग छोड़ रखे, अब नाम लेके उनको बताना क्या,
उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं, पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं, वो मैं काम आपके सामने रख देता हूं और आपको बोलता हूं कि आपसे विनती करता हूं कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। साथियों, ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है, ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है और इस कारवा में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गर्म खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को जागरूक करके, अपनी पार्टी को मजबूत करके, उसको सत्ता में लाकर न्याय और रोजगार मिलेगा। साथियों, ऐसे नहीं मिलता रोजगार, ऐसे नहीं मिलता न्याय। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है, पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई, अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। आकाश आनंद पर केस दर्ज होने के बाद उनकी तुलना भी चंद्रशेखर से होने लगी और लोग पूछने लगे कि आपने भी तो लोगों पर केस दर्ज करवा दिए हैं। कुछ लोग तो उन पर अनुशासनहीन होने का आरोप लगाने लगे, तो क्या अनुशासन नहीं होने के कारण आकाश पर एक्शन लिया गया है? आकाश आनंद को लोग फ्लावर समझ रहे थे, लेकिन इस चुनाव में वो फायर साबित हो रहे थे। बड़े बड़े विपक्षी नेता भी बीजेपी को लेकर इतना तीखा नहीं बोल रहे थे जितना आकाश आनंद बोल रहे थे। उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ जुट रही थी और उनकी रैलियों की डिमांड भी लगातार बढ़ रही थी। उनके भाषणों से बसपा में नई जान आ रही थी और खासकर युवाओं में आकाश आनंद बेहद लोकप्रिय हो रहे थे। लोग तो ये तक कह रहे थे कि आकाश आनंद अगले मान्यवर कांशीराम साहिब साबित होंगे जो बीएसपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन उनके तीखे भाषणों और भाषा शैली ने शायद बसपा अध्यक्ष मायावती को नाराज कर दिया। दरअसल बहन जी हमेशा शालीन रहकर सियासत करती हैं और बीएसपी में अनुशासन को बहुत महत्व देती हैं, सबसे ऊपर रखती हैं। बाकी पार्टियों की तरह बीएसपी के नेता जो मनाए वो नहीं बोल सकते। बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए अनुशासन सबसे ज़रूरी होता है। उनकी रैलियों में भी आप देखेंगे तो सब लोग अनुशासन में रहते हैं, लेकिन शायद ये अनुशासन आकाश आनंद में अभी उनको नहीं दिखा होगा, इसलिए बहन जी ने उन्हें पार्टी से कुछ समय के लिए अलग करने का बड़ा फैसला ले लिया। क्या आकाश के सियासत करने के तरीकों से नाराज थी बहन जी? आकाश आनंद ने आज तक से इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी तब मायावती ने ये कहा था कि ये पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुजन मूवमेंट की जिम्मेदारी है, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और जैसे दूसरों को पदों से हटाया गया है वैसे उन्हें भी हटाया जा सकता है। मैन जी ने अपने ट्वीट में भी ये साफ किया कि बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। मैन जी चाहती थी कि आकाश आनंद एक जिम्मेदार लीडर बने, क्योंकि वो सिर्फ एक पार्टी को नहीं संभालेंगे बल्कि पूरे बहुजन मूवमेंट को, करोड़ों लोगों की इच्छाओं को, आशाओं को भी संभालना है। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि बसपा अध्यक्ष मायावती आकाश आनंद के सियासत के तौर तरीकों से नाराज थी। आकाश युवा हैं और उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसलिए शायद बैंजी को लगा कि अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं हैं और उन्हें ब्रेक दे देना चाहिए। क्या बहन जी से आकाश आनंद की चुगली की गई?
आकाश आनंद पार्टी में एक नए ध्रुव के तौर पर उभर रहे थे, जिससे कई बड़े नेता असहज महसूस कर रहे थे। जिस तरीके से आकाश आनंद की पब्लिक रैलियों की डिमांड बढ़ने लगी थी, उससे बसपा के कई बड़े नेता असहज महसूस कर रहे थे। आकाश आनंद के बढ़ते कद से पार्टी के वे पुराने नेता अपने आप को छोटा महसूस कर रहे थे, जो सालों से बसपा में मजबूत ओहदों पर काबिज हैं, बड़े फैसले लेते हैं। इसलिए कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बसपा के ऐसे सीनियर नेताओं ने आकाश आनंद के बारे में बहनजी से चुगली की और आकाश आनंद के बारे में गलत रिपोर्ट पहुंचाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आकाश आनंद के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया गया। क्या आकाश आनंद को बचाना चाहती हैं बहनजी? आकाश आनंद पर केस दर्ज होना बहनजी को पसंद नहीं आया था, क्योंकि बसपा की हमेशा से ये नीति रही है कि बहुजन समाज की भलाई में लगे लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसकर बेमतलब की मुकदमेबाजी में अपना और समाज का समय खराब नहीं करना चाहिए। बहनजी किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती थी कि उनका उत्तराधिकारी मुकदमेबाजी में फंसे और अदालतों का चक्कर लगाता रहे, क्योंकि उसे आगे चलकर ना सिर्फ बसपा की कमान संभालनी है बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को भी आगे ले जाना है। जानकारों की माने तो बहनजी बसपा के भविष्य के लीडर को सुरक्षित रखना चाहती हैं और उन पर कोई आंच ना आए, इसलिए वो उन्हें कठोर फैसला भी उन्होंने ले लिया, क्योंकि वो चाहती थी कि बसपा की आने वाली लीडरशिप किसी भी तरह के झंझट से मुक्त रहे। मायावती आकाश आनंद को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हैं, वो नहीं चाहती कि इस समय वो कोई भी मुश्किल में फंसें। क्या आकाश आनंद के बयानों की वजह से हुई कार्रवाई? आकाश आनंद लगातार मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे और खुलकर अपनी बात भी रख रहे थे। दरअसल आकाश आनंद ने चुनावों के बीच ये कहना शुरू कर दिया था कि उनकी पार्टी चुनावों के बाद किसी से भी गठबंधन कर सकती है। आकाश आनंद ने ये तक कह दिया था कि वो बीजेपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक ये आकाश आनंद की अपरिपक्वता थी, क्योंकि इससे गलत संदेश जा रहा था। यूं तो आकाश आनंद ने बसपा के संस्थापक सदस्य मान्यवर कांशीराम साहब की बात को ही दोहराया था, लेकिन वो सैद्धांतिक बात थी और वो दौर भी अलग था। मौजूदा दौर में इस तरह की बात करने से यही संदेश जाएगा कि बीएसपी की कोई विचारधारा नहीं है और वो अपने मतलब के लिए किसी भी पार्टी के साथ जा सकती है। इसलिए हो सकता है कि आकाश आनंद के ऐसे बयानों से भी मायावती खफा हो और उन्होंने आकाश आनंद को कुछ समय के लिए ब्रेक देने का फैसला ले लिया हो। आकाश आनंद मायावती के सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। वो 2017 में लंदन से पढ़ाई करके आने के बाद से ही बीएसपी के कामकाज से जुड़े थे। मई 2017 में सहारनपुर में ठाकुर और दलितों के बीच संघर्ष के समय वो मायावती के साथ वहां गए थे। आकाश 2019 से पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन मायावती ने उन्हें 2023 में पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन अब बहनजी ने आकाश को ब्रेक दे दिया है। बहनजी के इस फैसले से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखो, बसपा की भलाई के लिए बहनजी अपने भतीजे पर भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटी, तो कुछ लोग इस फैसले से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और चुनावों के बीचों बीच इस बड़े फैसले का असर चुनावों पर भी हो सकता है। क्या असर होता है, ये नतीजों पर असर होगा कि नहीं, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन आप आकाश आनंद पर बहनजी के इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने ठीक किया, ये गलत किया? इस पर आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो को शेयर करें और द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।